परंतु इस बार कम से कम सिद्धरामैया नहीं बनने वाले है वो तय हो चुका है भाई। कहो सिद्धरामैया जी को भी मालूम है, कुरबाओ को भी मालूम है। नमस्कार आदाब दोस्तों, ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आपने देखा है ये वीडियो देश के गृह मंत्री अमित शाह का है, जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या गृह मंत्री अमित शाह की जो चाणक्य वाली राजनीति है, जो चाणक्य नीति है, वो खत्म हो चुकी है और इसी को लेकर के यहां पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इसका पूरा वीडियो हम आगे आपको दिखाएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगभग 9 विधानसभा क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थी, लेकिन अब उन 9 विधानसभा क्षेत्रों में कितने कैंडिडेट जीते हैं इसका डेटा सामने आ गया है और ये डेटा जो आया है ना, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त झटका देने वाला है। इसकी भी हम आपको आगे पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर योगी जी के विकास कि गंगा जो उत्तर प्रदेश के अंदर बह रही है उसका एक नया नज़ारा सामने आया है। बताया जा रहा है एक नई सड़क बनाई गई, उसको लोगों ने हाथों से उखेड़ कर फेंक दिया है। इसका भी वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं अमित शाह जी को हर कोई चाणक्य कहता है और इसलिए कि वो रणनीति बनाने में काफ़ी माहिर है। वैसे रणनीति के साथ साथ वो विधायकों को खरीदने और उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए भी उन पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का एक नया वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जो अपनी चाणक्य नीति का एक मैसेज लोगों को दे रहे हैं वो गलत साबित हो गया है और इसी को लेकर के आगे विवाद खड़ा हुआ है। लोगों का क्या कहना है वो आगे हम आपको सुनाएंगे। पहले गृह मंत्री अमित शाह जी का ये बयान सुन लीजिए। हमारा कंसीडरेशन ये नहीं होता है, परंतु इस बार कम से कम सिद्धरामैया नहीं बनने वाले है वो तय हो चुका है। सिद्धरामैया जी को भी मालूम है, कुरबाओ को भी मालूम है कि सिद्धरामैया विल बी डिफीटेड इन वरना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, राहुल जी ने शायद मेरे पास जो सूचनाएं हैं वो सही है तो उन्होंने ट्रस्ट यू बिकॉज यू विल हैव अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन एज होम मिनिस्टर। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को इशारा कर दिया है कि अगर कांग्रेस का बहुमत आता है तो आप मुख्यमंत्री बनना। उनको इशारा किया है तो सिद्धरामैया जी नाराज चल रहे हैं। मैं कल कुछ कुरबा क्षेत्र में भी जाकर बनना तो किसी को नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आना है, बनना तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, परंतु इन्होंने सिद्धरामैया को ना बोल दिया। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया, ये वीडियो हमारे देश की गृह मंत्री अमित शाह जी का है, जो चाणक्य नीति के लिए काफी माहिर माने जाते हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ये साफ कह दिया है कि जो चाणक्य नीति है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के गृह मंत्री की वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जो इन्फॉर्मेशन गृह मंत्री अमित शाह जी के पास उनके सूत्रों के मुताबिक पहुंची थी वो रॉन्ग हो गई है। आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चाणक्य नीति वाला जादू भी गृह मंत्री अमित शाह का खत्म हो रहा है और उनके द्वारा जो जानकारी बताई जा रही है वो पूरी तरह से गलत साबित हो गई है। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह हो या कोई हो, ये चाणक्य अब नहीं रहे हैं, इनकी चाणक्य नीति अब पूरी तरह से फेल हो रही है और जनता इनको सबक सिखा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि कर्नाटक से ही सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने 9 विधानसभा क्षेत्र के अंदर रैलियां की थी, अब इसका एक डेटा सामने आया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद और इस डेटा के अंदर जो स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ जी की रैलियों का उनके पार्टी कैंडिडेट को जीतने को लेकर के सामने आया है वो चौंकाने वाला है।
अब योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से यह चुनाव जीत लिया है। 224 में से 135 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अपने कब्जे में कर ली हैं। लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार जो है बहुत जोर शोर से हुआ था। बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी को भी प्रमोट किया गया था कर्नाटक के अंदर। बताया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट के लिए रैली की थी, लेकिन इनमें से अगर हम टोटल सीटों की, योगी आदित्यनाथ जी ने टोटल 4 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की हैं और 5 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर रैली और रोड शो किए हैं। कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में केवल 2 सीटों पर, यानी कि टोटल 9 विधानसभा क्षेत्रों पर जहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया है, वहां पर मात्र 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती है, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर कल्याण राज प्रगति, जो मतलब उसके कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीते हैं। तो जो स्ट्राइक रेट है वो मतलब अगर ओवरऑल हम देखें तो एक 20% ही रहा है, 80% मतलब जो है उनके पक्ष में नहीं गया है। तो योगी आदित्यनाथ को जो स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के अंदर उतारा था, वो उनकी लोकप्रियता काम नहीं आई है और लोगों ने योगी आदित्यनाथ को नकार दिया है। टोटल अगर 9 विधानसभा क्षेत्रों में वो कई रोड शो करते हैं, कई रैलियां करते हैं, तो उसमें अगर 9 क्षेत्रों में सिर्फ 2 पर बीजेपी जीती है तो ये अपने आप में योगी जी के लिए कितना बड़ा फेलियर है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर एक बार फिर विकास की गंगा बहाने वाली सरकार के राज में विकास की पोल खुल गई है। एक वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये वीडियो यूपी तक एक ट्विटर हैंडल है, वहां पर पोस्ट किया गया और लिखा गया है, जौनपुर बनने के कुछ ही घंटे बाद मिट्टी में मिल गई ब्लैक टॉप सड़क। जिले के कैलावर गांव का है मामला, यानी यूपी का यह मामला है। जौनपुर मिर्जापुर रोड से कैलावर गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर बिना मिट्टी साफ किए ही गिट्टी और तारकोल की सड़क बना दी गई। ग्रामीणों ने जब जो है सड़क को गुणवत्ता पर सवाल उठाए तो भाग निकले पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार। ग्रामीणों ने इस सड़क को अपने हाथों से उखाड़कर फेंक दिया है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। तो जो विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहाने की बात की जा रही है, उसका ये एक नज़ारा आपके सामने है। अब आप खुद सोचिए, इस तरह की सड़कें बना करके जनता को जब ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए भाई हमने इतना सारा विकास कर दिया, तो उस विकास का विनाश इस तरह से ही होने वाला है। वैसे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव थे, शायद उसी की जल्दबाजी में यह सड़क बना दी गई होगी, ये मतलब दिखाने के लिए कि देखिए हमने यहां पर विकास कर दिया है। और उसी विकास की पोल इन ग्रामीणों ने खोल दी है, जिन्होंने हाथ से, अपने हाथों से एक डामर रोड को उखाड़कर फेंक दिया है। अब देखना होगा कि इसमें जो अधिकारी मतलब जिनके अंडर में काम हो रहा था, जो अधिकारी इसमें शामिल है, उन पर कितनी कार्रवाई होती है। वैसे उम्मीद तो बहुत कम है। आपके अपने इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।